मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, वनस्पति शास्त्र विभाग, MLB राजकीय महाविद्यालय नोखा बीकानेर से। मैं वनस्पति शास्त्र में BSc भाग प्रथम के प्रथम पेपर में एल्गी, लाइकन व ब्रायोफाइटा के बारे में आज से एक लेक्चर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम एल्गी के बारे में बात करेंगे, जो कि जलीय पादप होता है। इसके सामान्य लक्षणों के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। सामान्यतः शैवाल एक जलीय पादप है, जिसे अन्य पादपों से शैवाल की पादप संरचना, जो कि थैलाब प्रकार की होती है, थैलॉइड प्रकार की होती है, से अलग किया जा सकता है। शैवाल में सामान्यतः तीन मुख्य गण पाए जाते हैं। यह पादप जलीय है, यह पादप क्लोरोफिल युक्त है, तथा यह पादप शरीर में थैले के समान, थैलाब अर्थात जिसे जड़, तना व पत्ती में विभेदित न किया जा सके होता है। क्लोरोफिल युक्त होने के कारण यह पादप अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है, इसलिए इसे स्वपोषित पादप कहते हैं। शैवाल पादप जगत में पाया जाने वाला सबसे कम विकसित पादप समूह है, क्योंकि ऐसा माना जाता है शैवाल की उत्पत्ति पादप जगत में सबसे पहले हुई थी, और यह प्रमाणिक रूप से सिद्ध किया जा सका है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, सबसे पहले बनने वाले शैवाल कोशिकाएं थी, जो जीवन की उत्पत्ति के समय से लेकर आज तक पृथ्वी पर उपस्थित हैं। शैवाल में पादप अलग अलग उत्तक तंत्रों में विभेदित नहीं होता, क्योंकि शैवाल का पादप कोशिका तंत्र से बना होता है, जो एक कोशीय अथवा बहुकोशीय होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी कोशीय, सभी शैवालों में जो जननांग हैं वो एक कोशीय होते हैं। यह इनका एक विशिष्ट लक्षण है, तथा उनमें जननांगों के चारों ओर पाए जाने वाली सुरक्षात्मक आवरण, जिसे बंद्य जैकेट कहते हैं, नहीं होता। बंद्य जैकेट की अनुपस्थिति शैवालों को प्रिमिटिव या अविकसित कैटेगरी में रखती है। शैवालों में जनन के समय भ्रूण का निर्माण नहीं होता। भ्रूण के निर्माण की अनुपस्थिति के कारण भी यह एक प्रिमिटिव पादप है। कुछ शैवाल विशेष रूप से मिक्सोफाइसी, नील हरित शैवाल के सदस्य अन्य शैवालों से भिन्नता दिखाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया, नील हरित शैवाल शैवालों में सबसे कम विकसित व सबसे प्रथम बनने वाले शैवाल हैं, अतः शारीरिक रूप से व अन्य गुणों में ये जीवाणुओं के अधिक नज़दीक होते हैं। शैवाल एक ऐसी शाखा है जिसमें हम शैवाल की संरचना, जनन व इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। अतः शैवाल को पढ़ने के लिए अलग से शाखा का निर्माण किया गया, जिसे शैवाल विज्ञान या एल्गोलॉजी कहते हैं। एल्गोलॉजी फाइकोलॉजी भी कहलाती है, क्योंकि शब्द
फाइकस जिसका अर्थ समुद्री खरपतवार है, शैवाल को प्रदर्शित करती है। ऐसा माना जाता है शैवालों का उद्भव व विकास समुद्री जल में अधिक होता है, अतः इसे समुद्री खरपतवार के रूप में जाना जाता है। स्वभाव व प्रकृति के आधार पर शैवाल को निम्न तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक, जलीय शैवाल। नंबर दो, स्थलीय शैवाल। नंबर तीन, असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवाल, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। नंबर एक, जलीय शैवाल। जलीय शैवालों को पुनः दो प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है, अलवणीय जल में पाए जाने वाले तथा समुद्री जल में पाए जाने वाले। अलवणीय जल जैसे नदी, तालाब, गड्ढा, झील इत्यादि में शैवाल की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे उदाहरण के रूप में क्लेडोफोरा, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स इत्यादि। जबकि समुद्री शैवाल जहाँ पर जल में लवण की मात्रा अधिक होती है, आकार में तुलनात्मक रूप से अलवणीय जल में पाए जाने वाले शैवालों से बड़े होते हैं। शैवालों के कुछ समूह जैसे फियोफाइसी, रोहडोफाइसी इत्यादि समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल जल में तैरते हुए अथवा किसी चट्टान पर या किसी आधार पर चिपके हुए भी पाए जा सकते हैं। समुद्री शैवाल आकार आकृति में अलवणीय जलीय शैवाल से बड़े होते हैं। नंबर दो, स्थलीय शैवाल। स्थलीय शैवाल जो शैवाल चट्टानों पर, लकड़ी पर, मिट्टी पर, स्थल पर पाए जाते हैं, उन्हें स्थलीय शैवाल कहते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा शैवाल एक जलीय पादप है, लेकिन हमारे पास में बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जो जल की कम मात्रा में पाए जाते हैं, अतः इन्हें स्थलीय शैवाल कहते हैं। हालांकि इन शैवालों को जीवन पूर्ण करने में, जीवन चक्र पूर्ण करने में जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के ये अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकते, अतः इन्हें स्थलीय शैवाल कहते हैं। इनके उदाहरण हैं नंबर एक, सेफोफाइट्स, जैसे वो शैवाल जो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, सूखी सतह पर रहते हैं या नम स्थान पर रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास यूग्लिना, वॉकेरिया इत्यादि। कुछ शैवाल जो भूमि में मिट्टी की सतह पर या उस सतह के नीचे उगते हैं, या आप ये कह सकते हैं नम मृदा में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में नॉस्टो, जो कि खेत में, धान की फसल में मिट्टी के नीचे पाया जाता है। तीसरा आता है हमारे पास में असाधारण प्रकृति वाले शैवाल। असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवाल ऐसे शैवाल हैं जो विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में आता है, उदाहरण आता है नंबर एक, जैसे अधिपादपीय शैवाल। अधिपादपीय का अर्थ है जो शैवाल पादप की सतह के ऊपर उपस्थित होता है, या ऐसे शैवाल जो अन्य पादपों पर उगते हैं, वृद्धि करते हैं और जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। उदाहरण हमारे पास में बल्बोकीट, उडोगोनियम इत्यादि। दूसरा, अधिजांतव शैवाल। वे शैवाल जो
जीवों के अंदर, जंतुओं के शरीर में अपनी वृद्धि, विकास व जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, जैसे क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा की विभिन्न जातियां घोंघों के शरीर पर उगती हैं, या करासियम, ऐसे जो कुछ कछुओं के या मछलियों के पंखों पर, कछुओं के पैरों पर पाए जाते हैं, इन्हें हम एपिजोइक या अधिजांतव शैवाल कहते हैं। कुछ उदाहरण हमारे पास में परजीवी शैवाल के भी हैं। ये शैवाल परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उदाहरण सिफेल्यूरोस। यह शैवाल चाय व कॉफ़ी की पत्तियों पर रोग उत्पन्न करता है, इसे रेड रस्ट ऑफ टी भी कहते हैं। इसी प्रकार, इसी श्रेणी में हमारे पास आते हैं लवणोद्भिद शैवाल, हेलोफाइटिक एल्गी। वे शैवाल जो लवणीय जल में पाए जाते हैं, जो लवण की अधिकता में अपनी वृद्धि, अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, इन्हें हम लवणीय या लवणोद्भिद शैवाल कहते हैं। एग्जाम्पल ड्यूनेलिएला, स्टीफेनोप्टेरा इत्यादि। इसी श्रृंखला में कुछ शैवाल हैं जिन्हें हम सहजीवी शैवाल कहते हैं। सहजीवी का अर्थ है ऐसा जीव जो किसी अन्य जीव के साथ अपना जीवन, एक प्रकार का संगठन निर्माण कर लेता है, और दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे हम सहजीवी शैवाल कहते हैं। उदाहरण के रूप में नॉस्टॉक, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस इत्यादि शैवाल लाइकेन नामक पादप में सहजीवन में पाए जाते हैं, या नॉस्टॉक व एनाबिना साइकस नामक जिम्नोस्पर्म की विशेष मूल, जिन्हें प्रवाल मूल कहते हैं, में पाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे पास है हिमोद्भिद शैवाल, क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। वे शैवाल जो बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखरों पर पाए जाते हैं, इन्हें हम हिमोद्भिद शैवाल कहते हैं। उदाहरण के रूप में क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। ये क्लेमाइडोमोनास की एक प्रजाति है जो बर्फ के ऊपर पाई जाती है, और इसके कारण बर्फ का रंग हरा हो जाता है, इसे ग्रीन स्नो एल्गी भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ अन्य शैवाल जिन्हें हम लिथोफाइटिक एल्गी, शैलोद्भिद शैवाल कहते हैं। ये शैवाल आद्र चट्टानों पर उगते हैं, क्योंकि चट्टान पर पाए जाते हैं, अतः इन्हें शैलोद्भिद या लिथोफाइट कहते हैं। साइनोफाइसी समूह के अनेक वंश जैसे नॉस्टॉक, रिवुलेरिया, ग्लियोकैप्सा इत्यादि चट्टानों पर उगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसी श्रृंखला में एक और कैटेगरी है जिन्हें हम थर्मोफाइट्स कहते हैं। वे शैवाल जो अत्यधिक तापमान वाले सोतों में, जल में पाए जाते हैं, इन्हें हम तापीय शैवाल या थर्मोफाइट्स कहते हैं। ऑसिलेटोरिया की कुछ प्रजातियां, हैप्लोसाइफोन की कुछ प्रजातियां इस प्रकार के शैवालों की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में शैवालों की संरचना के विविध रूप, रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। शैवालों की कायिक संरचना में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कायिक संरचना अर्थात वह जीवन का भाग जिस भाग में पादप अपना वृद्धि करता है और जनन कार्य हेतु प्रेरित होता है, इसे हम कायिक संरचना कहते हैं। कायिक संरचना सामान्यतया एक गुणीय होती है,
अर्थात हैप्लोइड, इसमें एक सूत्र या आप ये कह सकते हैं गुण सूत्रों का एक ही सेट पाया जाता है। सामान्यतया शैवाल में कायिक संरचना एक कोशीय होती है, क्योंकि शैवाल एक प्रिमिटिव पादप समूह है, अतः इसमें बहुकोशीय जटिल संरचना तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। एक कोशीय संरचना आकार में माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक, अर्थात जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सके, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, या नग्न आंखों से देखा जा सके, जिसे हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, तक पाई जाती है। सुकाय शब्द एक यूज किया जाता है, थैलस या सुकाय, क्योंकि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, शैवाल में पादप को जड़, तना व पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता, अतः पादप शरीर को हम थैलस, थैलॉइड या सुकाय कहते हैं। इसके संगठन के आधार पर शैवाल को निम्न पांच श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर एक, एक कोशीय रूप। नंबर दो, निबह रूप। नंबर तीन, तंतुल रूप। नंबर चार, साइनोफाइसियन रूप। और नंबर पांच, पैरेन्काइमेटस रूप। सबसे पहले हम लेते हैं एक कोशीय रूप। ऐसे शैवाल जिनमें पादप की संपूर्ण कार्य जैसे रिप्रोडक्शन, जनन, वृद्धि इत्यादि एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, इन्हें सामान्य रूप से ए सेलुलर अकोशीय शैवाल भी कहते हैं। एक कोशीय शैवाल को हम तीन प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। नंबर एक, राइजोपोडियल या कूटपादीय। जैसा कि आप जानते हैं, अमीबा नामक एक जंतु में सेल वॉल, कोशिका भित्ति का अभाव होता है और वह अंगुली के समान कूटपाद का निर्माण करता है। इसी प्रकार से पादपों में भी राइजोपोडियल एल्गी पाई जाती है जिनमें दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है और जीव द्रव्य बहिर्वेशन या प्रोजेक्शंस का निर्माण करता है और अमीबा के तरह गति करता है। इस प्रकार की एल्गी को हम राइजोपोडियल एल्गी कहते हैं। इसका एग्जांपल उदाहरण है राइजोक्राइसिस। नंबर दो, सेकंड आता है एक कोशीय में ही दूसरा, फ्लैजिलेटेड या कशाबिक शैवाल। कशाबिका एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कोशिका को चलने में सहायक रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने में सहायक होती है, इसे कशाबिका कहते हैं। और वे कोशिकाएं जिनमें कशाबिकाएं पाई जाती हैं कशाबिक शैवाल होते हैं। इसके उदाहरण हमारे पास में जैसे क्लेमाइडोमोनास। तीसरा प्रकार है इसके अंदर जिसे हम कहते हैं सर्पिल तंतुवत, स्पाइरल फिलामेंटस। कुछ एक कोशीय शैवाल सर्पिल अवस्था में या कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं, उदाहरणतः स्पायरुलिना। और चौथा प्रकार है इसके अंदर अगतिशील या नॉन मोटाइल फॉर्म्स। इस प्रकार के शैवाल में कोई गति नहीं होती, यह गोल बॉल के रूप में पाए जाते हैं, वह गति नहीं करते, इन्हें हम गुलाब या अचल शैवाल भी कहते हैं, उदाहरणतः डायटम्स इत्यादि।